ओनर कौन है, मैनेजर कोई है यहाँ पे, जिम्मेदार कौन है यहाँ के? स्टूडेंट को बाहर जाने दीजिए, चलो सब बाहर आ जाओ। मैडम आशीर्वाद भैया जी, आपका लाइट बंद करा दीजिए। जाओ यार जल्दी, क्या मजाक चल रहा है? चलो बाहर जाइए आगे। नहीं उधर तो बंद नहीं है, तो उसको अलग से बंद करना पड़ेगा। चलो बाहर जाओ, चलो भैया बाहर, चलो बाहर भैया आ जाइए। आप भी बहुत दिन लगाना है संतोष, कलेक्टर महोदय के द्वारा बेसमेंट में इंदौर में बोरको एरिया में जो भी कोचिंग और लाइब्रेरियां चल रही है और बिना अनुमति के चल रही है, एसी को बरसात को देखते हुए और स्टूडेंट की सेफ्टी को देखते हुए सील करने की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ जो जो जिस स्थान पर कार्रवाई की गई वो क्या है, वहाँ पर क्या मिला? यहाँ बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जो कि बेसमेंट पार्किंग के लिए होता है, परंतु उसका उपयोग कमर्शियल किया जा रहा था, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग परमिशन मिलती है, इनका उल्लंघन है, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। इसे कितने संस्थान या कोचिंग लाइब्रेरी, इसे सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान है, इसे सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और सील करने की कार्रवाई की जा रही है, और ये बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में राउस कोचिंग संस्थान में आईएएस की तैयारी करने वाले 3 बच्चों की मौत के बाद में इंदौर प्रशासन की नींद उड़ी है। यहां पर भवनकुआ और भवनकुआ के आसपास चलने वाले तमाम कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में जिला प्रशासन ने आज कार्रवाई शुरू की है। अब देखना होगा कि इंदौर जिला प्रशासन कितनी कोचिंग संस्थानों पर और लाइब्रेरी पर कार्रवाई करता है। हाउस में आईएएस की प्रिपरेशन करने के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चों की मौत हुई है। इस हादसे के बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा, इस पूरे हादसे को आप कैसे देखते हैं और किसका कंसर्न या मानते हैं इसमें? नहीं, मुझे तो बहुत अत्यंत भयानक हादसा है और जिस तरीके से मशरूम की तरीके से कोचिंग्स जो हैं वो आ रही हैं हर शहर में। दिल्ली तो खैर फेमस ही है आईएएस की ट्रेनिंग्स के लिए, राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर प्लेस जो है, और हर शहर में ये हो रहा है। हमारे इंदौर में भी अगर आप देखें तो ये भरकुआ का जो क्षेत्र है, भोला राम उस्ताद मार्ग क्षेत्र है, यहाँ पर जिस तरीके से कोचिंग चल रही हैं, अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी जो कोचिंग चलाने वाले लोग हैं उन पर है, साथ साथ प्रशासन पे तो है ही, क्योंकि प्रशासन को बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। लेकिन किस हालात में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी फीस देते हैं, और वो तल घर में जहाँ पर बेसमेंट, जहाँ पर स्टोर के तरीके से उसको यूज़ किया जाना चाहिए, वहाँ पर अगर क्लासेस चल रही हैं, लाइब्रेरी चल रही हैं, तो ये तो उन बच्चों के साथ पूरी तरीके से एक अन्याय है जो इतनी मोटी फीस दे करके आ रहे हैं, अपने भविष्य को सुधारने के लिए आ रहे हैं, और वहाँ पर अगर ऐसे रिस्क हैं, क्योंकि ये तो एक हादसा हुआ है, अगर आप उसको देखें तो जिस तरीके से बिजली के तार वहाँ पर गए हुए हैं, कनेक्शंस वहाँ पे हैं, कभी भी करंट आ सकता है, कभी आग लग जाए तो निकलने का कोई एग्जिट है ही नहीं, और वो इतना सकरा है कि अगर कोई स्टम्पीड होता है, कोई भगदड़ मस्ती है, तो कहाँ जाएंगे बच्चे? पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे वो कोटा हो, दिल्ली हो, या बड़े बड़े महानगर जहाँ पर इस तरीके के कोर्सेज चलते हैं, भविष्य संवारने के लिए भेजते हैं, अपने जीवन को बड़े कठिन जीवन व्यतीत करके, एक एक पैसा लगा करके मोटी मोटी फीस देते हैं उन कोचिंग संस्थानों को। तो कोचिंग संस्थानों का ये दायित्व बनता है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, वो उनको अगर अपने बच्चों की तरीके से समझें तो शायद उनमें ये भावना आ सकती है। और दूसरी प्रशासन,
कि प्रशासन की ये पूरी जिम्मेदारी है कि वो चेक करता रहे, बगैर लाइसेंस के कोचिंग्स चल रहे हैं, वहाँ पर किन हालात में पढ़ाया जा रहा है, बैठने की जगह है नहीं है, उसके अलावा वहाँ के आसपास का जो माहौल है, अभी आपने देखा ही था कि BRTS वाले मामले में पूरी रात चालू कर दिया था इंदौर, लेकिन बाद में वो बंद करना पड़ा क्योंकि स्थितियां ऐसी पैदा हो गई थी। तो उसी तरीके से जहां जहां कोचिंग चल रही है वहां पे कम से कम सुरक्षा व्यवस्था को तो चाक चौबस्त होना ही चाहिए, वरना इलेक्ट्रिसिटी है, एग्जिट है, फायर है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत फायर के भी व्यवस्था वहां पर उपकरण इस्टेब्लिश किए जाते होंगे जिसकी वजह से अगर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बने तो उनकी उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो ये दोनों का दायित्व है साहब। मैं इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूंगी कि सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, मतलब ठीक है वहाँ सिक्योरिटी की तो समस्या तो उसके सिक्योरिटी की समस्या तो थी, उसके अलावा वहाँ की गवर्नमेंट, मतलब मैं समझती हूँ कि ये बहुत बेसिक लेवल से चालू होता है एक इंडिविजुअल से, फिर उसके बाद फैमिली, सोसाइटी, गवर्नमेंट, हर कोई इसमें आता है। अब दिल्ली में जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे बेसमेंट में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है, वहाँ की जो सराउंडिंग है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है और वहाँ किया गया है। ऊपर से वहाँ पे ना कोई इमरजेंसी गेट था, जबकि ये गाइडलाइंस दी जाती है कि बेसमेंट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसमें इमरजेंसी गेट होना चाहिए, वो वहाँ नहीं था। वहाँ का लाइब्रेरियन, जो कि इन्फॉर्मेशन आई थी कि वहाँ के लाइब्रेरियन गेट खोल के गए थे और उसी के कारण ये सब हादसा हुआ। तो ऐसे हादसे तो चलो स्टूडेंट के साथ हुआ है, बड़ा मुद्दा बन गया, स्टूडेंट्स वाला एरिया था, बट ऐसे हादसे, उससे एक दिन पहले एक बच्चा इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था, ऐसे हादसे कोई नॉर्मल व्यक्ति के साथ भी हो सकता है? ये रुकना इस तरह से चाहिए कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है उस जगह पे। मेरे हिसाब से नॉट जस्ट अबाउट कोचिंग क्लासेस, पर हमारे देश में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रिक्टनेस का है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज हैं वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो होता है, जो अगर कोई कुछ गलत करता है, अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो एटलीस्ट वो चीज़ एड्रेस होती है, सामने वाले भले इसको सज़ा ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है, बट वो एटलीस्ट उतनी सिक्योरिटी होती है, उतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि वो इंसान अंदर जाता है, जेल के अंदर जाता है, और वो जो भी होता है वो जो ब्यूरोक्रेट्स की होती है उतनी उनकी सिक्योरिटी होती है, और उतनी स्ट्रिक्टनेस हमारे देश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सिस्टम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को बहुत ओवरलुक कर दिया जाता है। सर इसमें दो पॉइंट्स हम बोल सकते हैं, एक गवर्नमेंट की भी गलती है बिकॉज फ्लड आने का कुछ भी पानी का सिस्टम ही नहीं, उनके यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट ही नहीं है, कि अगर गवर्नमेंट ने मैनेज किया होता पानी कहाँ जाना है तो फ्लड की कंडीशन नहीं आती। सेकेंडली कोचिंग्स की भी गलती है कि बेसमेंट में उन्होंने लाइब्रेरीज कैसे बना दी कि बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है कि उन्हें समझना चाहिए कि किसी भी कभी अर्थक्वेक आ सकता है, फायर हो सकता है, फ्लड जैसे कैलामिटीज आ रही है, तो इन्हें इस कंडीशंस में बच्चों के लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स पूरा अलर्ट होना चाहिए, और जमीन के ऊपर बिल्डिंग्स बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे कंडीशंस में, क्योंकि अगर गलती से कभी अर्थक्वेक आ गया तो बच्चा वहीं पर दबके मर जाएगा, फिर भी वो भाग नहीं पाएंगे वहाँ से, तो ये सारी कंडीशंस में चाहिए। सर जैसा मैंने पहले बोला कि गवर्नमेंट पे भी सवाल उठेंगे कि आपकी मेन जिम्मेदारी है कि आप लोग बिल्डिंग्स चेक करें कि ऐसे कैसे बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही है, कहीं पे भी जमीन के नीचे ऊपर कितने भी ऊपर बन रही है। सेकेंडली आप मैनेज करें अपना पानी, मैनेज करें कि फ्लड की कंडीशंस ना आ पाए, और ये सब।